बड़ा बयान दे दिया है। वेदांती ने दावा कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया पर काम करना केंद्र सरकार चौथे चरण में 2024 में शुरू करेगी। वेदांती ने दावा यह भी किया कि केंद्र सरकार 2020 में राज्यसभा में बहुमत मिलने के बाद पहले चरण में कश्मीर से धारा 370 खत्म करेगी, दूसरे चरण में धारा 35A समाप्त करेगी और तीसरे चरण में गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापस करेगी। वेदांती के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमीन वापस करने संबंधी याचिका दायर कर रखी है। वेदांती ने यह दावा किया है कि जमीन मिलने के बाद चौथे चरण में यानी 2024 में केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर काम करना शुरू करेगी। अभी बैठक में क्या निर्णय होगा, अभी बैठक होने वाली है, जब बैठक होगी और क्या निर्णय लिया जाएगा, कौन सा प्रस्ताव बनेगा, कौन का प्रस्ताव बना करके और कहाँ भेजा जाएगा, फिर बैठक में कैसे निर्णय होगा, ये सब कुछ आज निर्णय हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा देश का हिंदू समाज कर रहा था, जिस समय की प्रतीक्षा हमारे संत महात्मा लोग कर रहे थे और जिस समय की प्रतीक्षा भाजपा कर रही थी। भाजपा को विश्वास था कि हम 2019 के चुनाव में 300 के पार पहुंचेंगे, अब तो 350 के पार पहुंच गई भाजपा एनडीए को लेकर के। अब कोई आपत्ति नहीं है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है ये बात जरूर है, और 2020 में भाजपा को राज्यसभा में बहुमत मिलेगी, तब हम कानून बनाकर ये प्रयास करेंगे कि भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। प्रथम चरण में 370 धारा समाप्त हो, द्वितीय चरण में 35A समाप्त हो, तृतीय चरण में राम जन्मभूमि न्यास की जमीन जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है वो राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित कर दिया जाए, चतुर्थ चरण में हमारा जो शिलाएं पत्थर तराश कर रखी गई हैं वो राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचे, और फिर पंचम चरण पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हम सब लोग मिल करके प्रारंभ करें, ये हम सब लोगों की हार्दिक इच्छा है।